सब्सक्राइब कीजिए सोनल्स रेसिपी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह बनेगा हमारा सेवैया का मीठा हलवा। ये तो मैदा प्रोडक्ट है। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ सोनल। सोनल्स रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेवैया का हलवा। आज हम सेवैया का हलवा बनाएंगे। और चलिए फ्रेंड, इसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट्स लिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने सेवैया ली है, ये व्हीट फ्लोर की है। आप कोई भी सेवैया ले सकते हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसको बॉईल करके लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने कुछ चीनी ली है, घी लिया है, ड्राई फ्रूट्स लिए है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिए है। आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने इलायची पाउडर ली है। इलायची पाउडर बनाना बहुत आसान है। आप इसके दाने निकाल लीजिए और इसमें थोड़ी चीनी डालकर ग्राइंड कीजिए, फाइन पाउडर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है, गैस फ्लेम सिम पे रखा है। और ये जो दूध है ये मैं साइड में रख दूंगी दूसरे वाले गैस पे, उसको भी मैं गर्म होने के लिए रख दूंगी। दूध है, इसको भी थोड़ा सा गर्म कर लेना है हमको। और मैं अभी ये जो कढ़ाई है इसमें डालूंगी घी। दो चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाला है, उसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। घी गर्म हो गया है, इसमें हम हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है उनको डाल देंगे और उसको कुरकुरा होने तक फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक। ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी घी में हम ऐड करेंगे सेवैया, इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे हाथ से ही और डाल देंगे। सेवैयों को भी अच्छे से भून लेना है। दूसरे साइड पर हमारा दूध गर्म हो रहा है और एक साइड पे हम सेवैया सेक रहे हैं। जैसे ही सेवैया गोल्डन ब्राउन हो जाए उसमें हम डालेंगे गर्म दूध। सेवैयों को हमें सिम गैस पर ही सेकना है, वो भी घी में। असली घी यूज करें तो ही बेहतर है, वरना डालडा घी से अच्छा टेस्ट नहीं आता है और वो हेल्दी भी नहीं रहता है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो रही है फ्रेंड्स, इसको लगातार ऐसे ही हिलाना है। देखिए हमारी सेवैया अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें डालेंगे हम दूध। ये जो दूध है हमने गरम कर लिया है, हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये जो मलाई है वो भी हमें इसमें डालना है, मलाई से भी इसको अच्छा टेस्ट आता है। मैंने दूध की जो मलाई थी सारी इसमें डाल दी। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध को डालते समय आराम से डालना है, कहीं जले ना, क्योंकि घी रहता है उसमें हम दूध डालते हैं तो वो जल्दी से छींटे उड़ाता है इधर उधर, तो हमको जरा आराम से और संभाल के डालना है। ये देखिए गरम दूध डालने से सेवैया जल्दी पक जाती है। इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं चीनी में। और इसको अच्छे से हिलाना है। शक्कर इसमें अच्छे से पिघलनी चाहिए,
अभी इसी स्टेज पे डालेंगे हम इलायची पाउडर, एक चम्मच इलायची पाउडर है मेरी, तो सभी मैं इसमें डाल दूंगी। एक चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाली, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर में इसमें अच्छा सा स्वाद आता है। ये हलवा बनाना बहुत आसान है, खास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आता है, बच्चे मनपसंद से खा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाया है। आप इसको ढककर भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसे खुले में ही पकाया है। मैंने गरम दूध डाल डाल के इसको पकाया है। अगर आपको लगा कि सेवैया कच्ची है तो उसमें गरम दूध डालना है और फिर से पकाना है। ये मेरी सेवैया अच्छे से गल चुकी है। आप इसमें मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने मीडियम बनाया है। अभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स डीप फ्राई किए थे वो डाल देंगे, जो हमने घी में डाला था, और इनको भी मिक्स कर लेंगे। ये मैंने लास्ट में डाला है क्योंकि मुझे वो कुरकुरे ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं इनको बाद में डालती हूँ तो उसका कुरकुरापन वैसे के वैसा ही रहता है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सेवैयों का हलवा कितना मस्त दिख रहा है। अभी हम इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक प्लेट में सर्व किया है, आप देख रहे होंगे। देखिए हमारा हलवा कितना मस्त दिख रहा है, ड्राई फ्रूट भी क्रंची क्रंची लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।